जब मैं उनसे मिला, मैंने वो माल आ रहा था हमारे पास, वो माल रिजेक्टेबल था, आगे बेचने के लिए नहीं था। तो मैंने जब इनके ऊपर इनसे पूछा तो इस पे इन्होंने मुझे बताया कि भाई पता नहीं क्या बात है, माल इस तरह का क्यों आ रहा है। तो जब मैं कंपनी के ऑनर से मिला, तो फिर जब मैंने उनसे कहा कि अब मैं आपके साथ आगे काम नहीं कर सकता, इन्होंने इतना प्रेशर दिया हुआ था कि वो तब तक कोई बात नहीं कर रहे थे। जब मैंने इनसे कहा कि भाई, मैंने उनसे कहा मैं आपसे आगे फर्दर काम नहीं कर सकता क्योंकि आप धोखा दे रहे हैं, तो उस वक्त जो है उस सप्लायर ने बताया कि आपके मामू इस पे 50% हमसे कमीशन ले ये रहे हैं, झूठ बात जिसकी कर रहे हो वजह से आप। हम बिल्कुल आपको मैंने जो किसी मटेरियल आपको किसी को सप्लाई माल किया था मैंने वो कुछ नहीं नहीं कर दिया, आप रिजेक्ट लोग माल दे डिलीवर रही। करते थे माल, जितना भी माल था आप लोग खुद नहीं, डिलीवर दस करते थे, कंपनियों मैंने से कोई इनकी किसी शिकायत कंपनी है को माल नहीं कमीशन दिया की। मैंने। फिर आप अच्छा मामू ये तो बता ये दें, चीजें हम उससे भी मामा मतलब आप क्लियर मामू करना से चाहते हैं। मुझे आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, मैं किसी की पूरा डीलिंग आप खुद कर रही हैं, वेंडर्स आपके हैं, आप खुद डील कर रही हो वहां पे, ये गलत बात आप कर रहे हो मेरे ऊपर, कोई बात नहीं हुई, नाजायज इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर आप लोग। कभी भी इस मैटर पे कोई टॉपिक मेरे से कोई भी शेयर नहीं किया गया। मैं सिद्रा की तारीफें होती हैं, ऐसी तारीफें तो आपके हस्बैंड भी करते थे, तो आपने उनसे नहीं कहा कभी, तो कभी आपको उनपे डाउट नहीं हुआ, अपने बेटे पे क्यों डाउट हो गया? हालांकि आपको तो ये जैसा मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा हिस्सा बनता है, ठीक है, क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूँ, तो जो मेरे फादर की प्रॉपर्टी है उस पे मेरा राइट बनता है, मैं उसका ऑनर हूँ, तो मेरी मामा वो मुझे डिलीवर करें जो मेरा हिस्सा बनता है। और उसके साथ साथ जो मामू ने हमारी जायदाद में से हथियाया, यानी जो इनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं और जो कुछ भी है, यानी अगर कंपनी लॉस कर रही थी तो ये कैसे इनके पास आया? क्योंकि जब इन्हें कंपनी डिलीवर की गई तो ये बसों में धक्के खाया करते थे, इनके पास किराए के पैसे नहीं हुआ करते थे। तो आप, मैं ये चाहता हूँ कि उसकी भी इंक्वायरी हो कि इनके पास इतने ज्यादा एसेट। आपका कहना है कि वो इल गॉटन मनी है जी, ठीक है, तो उसकी इंक्वायरी हो और मुझे जो है उस पर पता चले कि आखिर जो इनके पास एसेट्स बने हैं वो आए कहाँ से। अगर कंपनी मुसलसल लॉस कर रही थी तो इन्होंने इनकम से ज्यादा इतने ज्यादा एसेट्स बनाए कैसे, इसकी भी इंक्वायरी की जाए और जो मेरा हिस्सा है वो मुझे डिलीवर किया जाए जो मेरा राइट बनता है। ठीक है जी बीबी, अब मसला क्या है कि मामू जान ये जो इल गॉटन मनी है, जरा इस पे तो थोड़ा जवाब दो। आप बिल्कुल ऐसे खामोश होके बैठे हुए जैसे वली में ले आए हैं। ये जो बात कर रहे हैं कि नहीं, अब देखिये बात ये है कि आपके ऊपर बड़े गंभीर किस्म के सेंसिटिव इल्जाम लग रहे हैं। मैं आपको बता, उस बच्चे का कहना यह है कि देखे सुने, उसका कहना है वो नाबालिग था, उसके वालिद की अचानक डेथ हो गई, अभी भी वो बच्चा ही है। अच्छा, अब क्या है कि उसकी वालदा आपकी बहन थी, चलता हुआ कारोबार था जिसमें करोड़ों रुपए के नफे थे, इनकी बहन ने आपको भाई समझ के उसका होल सोल मालिक समझ लो, मैनेजर समझ लो, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया कि भाई आप ये कारोबार उसी तरह चलाएं जैसे मेरा मियां चला रहा था, ताकि फैक्ट्री भी चलती रहे, लोग भी बेरोजगार ना हो, स्टाफ भी ना निकले और जो प्रॉफिट आ रहा है घर में वो भी आता रहे।